दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी चाहते हो किसी का भी व्हाट्सएप मैसेज अपने सेलफोन में रीड करना तो आप किस तरीके से रीड कर सकते हो। इस वीडियो में आपको 101% जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी का भी व्हाट्सएप मैसेज अपने सेलफोन में पढ़ सकते हो कि बंदे ने किससे बात किया, कितना बात किया, कितना टाइम बात किया, क्या क्या बात किया, क्या फोटोज भेजा, क्या डॉक्यूमेंट भेजा, आप हर एक चीज़ चेकआउट कर सकते हो। आपके गर्लफ्रेंड का हो, बॉयफ्रेंड का हो, फैमिली मेंबर का हो, किसी का भी जो मैं ट्रिक बताऊंगा अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करोगे दोस्तों तो डेफिनेट आप किसी का भी व्हाट्सएप मैसेज अपने सेलफोन में पढ़ सकते हो। तो मुझे रेगुलर कमेंट आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर आओगे आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा। आपको राइट हैंड साइड 3 डॉट पर क्लिक करना है टॉप पर, उसके आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सेटिंग दिख जाएंगे, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज डेटा एंड हेल्प। आपको क्लिक करना है चैट्स के ऑप्शन पे। चैट्स के ऑप्शन पे आपको व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर दे रखा है जो आपको पता नहीं होगा, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप बैकअप। तो अब आप देख सकते हो यहाँ आपको टॉप पे बहुत सारी सेटिंग दिख जाएंगे, आपको इसको स्क्रॉल अप करना है और आपको चैट बैकअप पर क्लिक करना है। चैट बैकअप पे क्लिक करके आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है बैकअप का। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करोगे ये मेरे व्हाट्सएप में जितने भी मैसेज हैं सब आपके नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपके गूगल ड्राइव में पहुंच जाएंगे। तो गूगल ड्राइव से आप चेकआउट कर सकते हो। तो एकदम जरूर ट्रिक है दोस्तों, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपको बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, बैकअप का ऑप्शन आप देख सकते हो 12 GB, मतलब 12 GB का जो व्हाट्सएप का अपना डेटा है आप किसी भी नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी भी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रहा है, इस ईमेल आईडी पे पूरे व्हाट्सएप के मैसेज ले सकते हो, जितनी भी मैसेज चाहिए, जो भी ईमेल आईडी पे चाहिए, इतने सारे ईमेल आईडी मेरे पास। अगर आपका ईमेल आईडी आपको ऐड करना है तो आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी जस्ट ऐड कर देनी है उसके नंबर पे। और ये करने के लिए सिर्फ आपको लगते हैं 2 से 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दोगे। एक बार अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दिए तो बस आपको क्या करना है, ईमेल आईडी आपने ऐड कर दिया तो आपको ये ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेने। तो मैं ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ईमेल आईडी सेलेक्ट हो चुकी है। तो आपको देखना है यहाँ बैकअप टू गूगल ड्राइव। बैकअप टू गूगल ड्राइव पे आपको ऑप्शन दिखेगा नेबर, वन टैब, डेली, मंथली एंड वीकली। तो मैं डेली पे क्लिक करना है, आपको डेली पे क्लिक करने से होगा पर डे आपको बैकअप मिलता रहेगा और पर डे आप उनका मैसेज चेकआउट कर सकते हो। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बैकअप ओवर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, तो आपको क्लिक करना है वाईफाई और मोबाइल डेटा, मतलब दोनों पे आपका बैकअप मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सब प्रोसेस कर लेना है। अभी आपको वीडियो चाहिए कि नहीं, कि जो वीडियो आप बैकअप लेना चाहते हो कि नहीं, आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है तो आपको वीडियो एंड फोटोज भी बैकअप में मिल जाएंगे, ये आपको प्रोसेस देखने मिल जाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बैकअप, आपको इसको ऑन कर दोगे तो इससे आपको इंक्रिप्टेड मिल जाएगा, तो आपको इसको ऑफ ही रहने देना, इसको ऑन नहीं करना है। और इस तरीके से अपने ईमेल आईडी को पुटअप कर देना है, डेली बेसिस बैकअप डाल देना है और वाईफाई और सेलुलर आपको सर्च कर लेना है। अब बैकअप जैसे ही आप लोगे, अगर आपको बैकअप नहीं आता तो यहाँ सिंपली बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करोगे बैकअप शुरू हो जाएगा। अब आपको उसको देखना कैसे, आपको सिंपली आपको गूगल ड्राइव पर आ जाना है, इस तरह गूगल ड्राइव दिखेगा और आपको यहाँ सर्च कर लेना है व्हाट्सएप। जैसे व्हाट्सएप सर्च करोगे आपके जितने व्हाट्सएप के बैकअप होंगे सब आपके सेलफोन में आ जाएंगे। तो यहाँ जो बैकअप है व्हाट्सएप का सब आपके सेलफोन में आ जाएगा। इस तरीके से आप पूरा बैकअप चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे ईमेल आईडी पे जितने भी बैकअप है सब आ जाएगा, मैं उसको चेकआउट कर पढ़ सकता हूँ। इस तरह आप भी किसी का भी मैसेज व्हाट्सएप का पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने सबसे पहले। थैंक यू।